नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, पिछले दिनों में कुछ मैंने खबर दिखलाया था कि जिस तरीके से अपहरण के मामले में धर्मा पासवान को गिरफ्तार किया गया था, डीएसपी राजेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन जानकारी दिए थे। आपको बताना चाहता हूँ कि उन्हीं गिरोह के चार लोगों की गिरफ्तारी हुई और डीएसपी राजेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। देखिए क्या कुछ मामला निकल कर आए हैं। डीएसपी राजेश कुमार ने क्या बड़ी सफलता, वांछित चार अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं और घटना में इस्तेमाल कार और दो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। दिनांक 22/7/24 को दिन के समय 1 बजे ग्राम मच्छिंद्रा जखराज बाबा मंदिर के पास हनी ट्रैप कर जमुई के दो युवकों की फिरौती के लिए अपहरण थार वाहन समेत होने की घटना प्रतिवेदित हुई थी। ग्रामीण एवं झाझा पुलिस के सहयोग से दोनों अभियुक्त अभिमन्यु कुमार एवं कुमार राहुल नेहरू उर्फ चंदन मिश्रा, दो अपहरणकर्ता धर्मा पासवान एवं अर्जुन सिंह, दोनों जिला जमुई को एक देशी पिस्तौल एवं दो जिंदा कारतूस तथा अपहरण में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल के साथ सकुशल बरामद करने में सफलता पाई थी। जिस संबंध में झाझा थाना कांड संख्या दर्ज किया गया है, दिनांक 25/7/24 को अनुसंधान एवं तकनीकी अन्वेषण के आधार पर लगातार छापामारी के दौरान कांड में वांछित चार अपराधकर्मी कपिल देव यादव उर्फ सूरज यादव उर्फ पप्पू यादव, दीपक ठाकुर, महेश कुमार यादव एवं सुधीर पासवान को दो मोटरसाइकिल एक कार सहित गिरफ्तार किया गया है। झाझा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी से भी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और शेष अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। जब्त सामानों की विवरणी, एक ऑल्टो कार, अपाची मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल। इस कांड के अतिरिक्त कुमार राहुल नेहरू का ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी श्री संजय कुमार पूनी सह थानाध्यक्ष झाझा, श्री संजय कुमार यादव पूनी झाझा थाना, श्री कौशलेंद्र कुमार पूनी झाझा थाना, श्री कुंज बिहारी कुमार पुवानी झाझा थाना, सुश्री पूजा कुमारी परिपुवानी झाझा थाना, डीआईयू टीम जमुई, क्यूआरडी टीम में शामिल सिपाही हिमांशु कुमार, भोपाल कुमार, रवि कुमार, अवनीश कुमार, धर्मपाल कुमार एवं झाझा थाना के सशस्त्र बल। सर, कोई आपराधिक मामला? देखिए, उसके हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, जैसे बात आएगी आप लोग से। सर, एक महिला की बात आ रही थी तो इस पर प्रशासन नहीं उसके भी जो मैं अभी आपको बताया कि कुछ अपराधकर्मी ऐसे हैं जिनके हेतु अभी छापामारी की जा रही है, उसमें भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। तो सर, ये क्या मतलब घटना को अंजाम देने के फिराक में इन लोगों की जो गिरफ्तारी की गई, तो ये लोग क्या मतलब ट्रेन के सहारे कहीं और? देखिए, मैंने ऊपर आपको बोला था कि हनी ट्रैप करके इनको अपहरण किया गया है, तो जैसे जैसे और हम लोग पॉइंट मिलेगा उसमें हम लोग छापामारी कर रहे हैं। सर, इस मामले में अब तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सर, अब तक कितने लोग और? देखिए, अभी इसमें और 3 लोग हैं, जैसे अनुसंधान में बात सामने आई है, तो वैसे हम लोग छापामारी कर रहे हैं।